क्यों मनाते लोग, क्यों उसमें फायदा क्या है ना, फायदा क्या है। आपने बोला कि भाई दीपावली में भगवान श्री राम अयोध्या आए, तो उसमें आपका क्या फायदा है ना, जी यही क्वेश्चन था ना आपका। आप भी अभी हाँ भी ये रिपीटेडली क्वेश्चन एक जन एक से पूछा जी 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 और जी जी पहले जी रिपीट जी 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 एकदम। जी यही तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हजरत इब्राहिम जी अपने बेटे इस्माइल को वो काटने जा रहे थे, अल्लाह सुबहानो ताला आकर के वहां से हटा लिया उसका उनको। जवाब और मैं दे चुका उदय यादव जी। नहीं अभी नहीं नहीं आमिर नहीं हक जवाब नहीं, वो अभी आपका अभी आमिर हक आए परफेक्ट थे, उन्होंने यही सवाल किया था, उसका जवाब मैं दे नहीं चुका नहीं हूं। बिल्कुल नहीं, जब परफेक्ट जवाब नहीं दिया सर। अब ऐसा मत करो कि आप ही जज बनो, आप ही वकील बनो और फैसला ही आप दे दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर नहीं आप वो हमको ठीक है, आपने स्क्रिप्ट में लिखा है तो हमको भी लॉजिक प्रूव करने दो आपकी। आपने तो पूरा लॉजिक का प्रूव कर आप दिया। भी जज नहीं है यहाँ पर, आप बहैसियत जज वकील ही नहीं, के नहीं आए जज हैं, जज तो पब्लिक है, सो लेट देम नहीं, जज डिसाइड। यहाँ पब्लिक तो नहीं, फिलहाल आप मेरे आप को अपना जजमेंट। मुकदमा रखें। मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बयान किया वो बयान किया। मसलन आप ये कह रहे हैं कि जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जिबा करने जा रहे थे, उसकी जगह अल्लाह ताला ने दुम्बा रख दिया, तो उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा हमें यह है कि हम जब हर बकरीद में एक दुम्बा या जो भी हम जानवर जिबा करते हैं, तो हम ये अपने आप को याद दिलाते हैं कि ये गोया के अल्लाह ताला के लिए होना तो ये चाहिए था कि हम अपने आप को कुर्बान कर दें, लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसानी सेक्रीफाइस को कबूल नहीं किया, उसकी जगह जानवर रख दिया, तो गोया कि ये जानवर भी हमारे नफ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें भी हमारा अपना दखल है, इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दखल नहीं है। जबकि हाँ ये आप कह सकते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाकये से का आगाज जरूर हुआ है, लेकिन जो भी इंसान कुर्बानी करता है वो अपनी वजह से कुर्बानी करता है, हजरत इब्राहिम की वजह से नहीं करता, ये फर्क आपको जहन में रखना चाहिए। मौफ्ती जी साहब, अब मैं कुछ बोलूं सर, है तो मौफ्ती साहब, इस देखिए सिलसिले में फायदे की अभी बात। करीब जी बड़े वादे एक हैं। मिनट, अभी आप ही जी बहुत ज्यादा उदय लंबे साहब समय एक से मिनट, बोलने उदय के साहब लिए। एक मिनट उदय उदय एक मिनट जी जी मान जिमानो गए सर, प्रेमी क्या कह रहे हैं? बड़ी स्पष्ट हदीस है इस सिलसिले में कि जी मल्लम युवाही फला यकरबन्न मस्जिदना, जो कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह है। जी यानी मतलब यह है कि जो कुर्बानी करेगा उसी की ही ये खुशी है। गरीब जी हाँ इसमें शामिल हो जाएंगे गोश्त खाकर। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा और फिर अभी ईद उल अजहा का अभी मकसद कुरान ने सूरह हज में बयान कर दिया कि लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, के जी जो जानवर तुम जिबा कर रहे हो उस जानवर का गोश्त, उसका पोस्त और उसका खून, उससे अल्लाह ताला को कोई लेना देना नहीं, वो तुम अपने पास रखो। कुर्बानी का मकसद है यनालुहु तक्वा मिनकुम, के ताकि तुम्हारा तक्वा खुदा तक पहुंचे, तो तुम्हारा तक्वा पहुंचे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तक्वा नहीं, तुम्हारा। जी जी बिल्कुल। अभी मैं जी यही कहना आलम चाह रहा साहब हूँ, अभी आपने बताया ना भैया, जिस दिन काटते हैं ना, जरा मुसलमानों की बस्तियों में घूमू, पूरे रोड पर खून, पूरा खून फैला रहता है, पूरा जाने लायक का रास्ता नहीं रहता, पूरी गंदगी फैली रहती है, पूरा इन्फेक्शन फैलता है, लोग बीमारी नहीं, फैलती है। उदय यादव साहब आपने नहीं, दुनिया भर के, नहीं ये ऐसा बस बोलने दो, वन प्रोपेगेंडा टाइम है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं यही तो होता। प्रॉब्लम है। आपने इतना 2 घंटा बोला, आपने सुना कहाँ नहीं भाई, कहाँ होता एक दो है मिनट यादव, तो कहाँ बोलने ये दो उदय मेरे को। यादव साहब, अरे हमने कौन इतनी सा मुल्क दुनिया में भर ये के सब लोग, बचकाना बचकानी कहाँ बातें हैं एक कि मिनट बुरे आप में खून ये सुनिए होता है, गुफ्तगू। ये होता है, वो होता है। नहीं उदय यादव अगर साहब, उदय मुझे लग रहा साहब है आप तो कह रहे थे कि आप माशाल्लाह उसके अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, मुसलमान आपके आसपास रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने खुद बकरीद का दिन भी देखा होगा मुसलमानों की बस्तियों में, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मैं कहता हूं कि अगर हुआ भी है तो ये मुसलमानों का मिसमैनेजमेंट है ना, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? और ये इस्लाम का एक नहीं, और इसमें चंद महलों में होता होगा, क्या सारी दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक के सब जगह ऐसे ही होता है? नहीं, और अगर हजरत हो भी रहा है तो हम उसको गलत भी बोल रहे हैं ना, हम ये उसको गलत बोल रहे उसको हैं बिल्कुल। अगर उसको आप सही नहीं माहौलियात के बोल ऊपर रहे। फर्क, अगर आप सड़कें गंदी कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर कुर्बानियां कर रहे हैं, गोश्त फैला हुआ है और उससे दूसरों को परेशानी हो रही, तो हम तो खुद उसको गलत बोलते हैं। मुस्तकिल ये ईद के नजर पार्किंग के निजाम में मुस्तकिल लोग खड़े होते हैं ताकि गाड़ी की वजह से किसी और को तकलीफ ना, तो पूरी तौर पर हम अपनी ताकत के एतबार से निजाम को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं।